हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान भाजपा और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। भाजपा नेता जहां कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है और 200 करोड़ रुपए जारी करने की जेपी नड्डा दो दिन पहले ही बात कहकर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 200 करोड़ रुपए जारी होने की भाजपा नेता बात करे, लेकिन प्रदेश को अभी तक यह राशि नहीं मिली है, यह केवल बयानों में ही पैसे जारी हुए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं, लेकिन आपदा की इस घड़ी में जितनी मदद प्रदेश की होनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। जेपी नड्डा ने 200 करोड़ जारी होने की बात कही, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, शायद काल का पहुंचा होगा। केंद्र से भेजे गए हेलीकॉप्टर का खर्चा भी हिमाचल सरकार उठा रही है। अब 200 करोड़ की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हिमाचल से हैं नड्डा जी बोल के गए, उन्होंने तो प्रेस में कह दिया कि जारी कर दिया है, अभी तक हमारे पास तो पहुंचा नहीं है। क्या पता आज दिल्ली से रास्ते में कालका तक पहुंच गया होगा। असर लगता है आपको कि केंद्र जो है हिमाचल की इस डिजास्टर में सीरियसली मदद कर रहा है या आपको कहीं कमी लग रही है, क्या आप उसकी वजह आप मानते हैं? नहीं, सिर्फ जो है बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो एक मदद होनी चाहिए केंद्र को प्रदेश सरकार के लिए वो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी हेलीकॉप्टर के शॉर्टेज हैं ये कोई मुफ्त में थोड़ी मिल रहा है, इसका भी हमें जो है पैसा देना पड़ता है, और एक एक शॉर्टी हेलीकॉप्टर का 7 से 8 लाख रुपए में पड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु सारा का सारा जो है मदद किसी किस्म का जो है धरातल पे केंद्र से हमारे पास अभी तक नहीं आया। वही बरसात के कारण सड़कें बंद होने की वजह से सेब सीजन प्रभावित हुआ है। सरकार सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करने में जुटी हुई है। फल मंडियों में अभी तक 43 लाख पेटियां सेब की पहुंच चुकी हैं। इस बार 2.5 करोड़ पेटी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जो लदानी और आड़ती हिमाचल छोड़कर भागे हैं वे सभी डिफॉल्टर थे, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंडियों में जगह तक नहीं है, कई आड़तियों के आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। न्यूज डेस्क NY। जहाँ तक सेब के फसल को लेके बात है, हमारा लगातार जो है सेब मार्केटों में चाहे हमारे विद इन स्टेट के अंदर है ट्रेड हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है, स्टेट से बाहर भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग हमारा जो है कालका से शिमला के बीच लगातार ये बंद होने के कारण काफ़ी कठिनाई हुई है, परंतु अल्टरनेट रोड से माल बाहर भी बहुत गया सेब। तो आज की तारीख में कोई 43 लाख से ज़्यादा पेटियाँ जो है मार्केट के अंदर ये विद इन स्टेट और बाहर जो है चला गया है। सर कितनी बचती है अभी मार्केट तक पहुंचा? अभी एक अनुमान के हिसाब से 2.5 करोड़ के करीब इस बार फसल रहने की उम्मीद है, बल्कि बढ़ भी सकता है 2.5 करोड़ से, क्योंकि भारी बारिशों के कारण जो है फसल को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, इसके साइज या जो है उस पर भी फर्क पड़ा है साइज पर, और साथ में बीमारियों का भी काफ़ी जो है इस बारिशों के कारण सेब के फसल पर जो है फर्क पड़ा है।